नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप रोज़ हमें याद करते हो और हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और जल्दी रिजल्ट मिल जाए। जिनके काम फंसे हुए हैं या घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है या घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो दोस्तों उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? तो दोस्तों आज आपसे हम कुछ नई बातें कहेंगे, कुछ नया उपाय सिखाएंगे जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा कि कोई चीज़ को बांटने से कोई बढ़ती है, तो हम आपको वशीकरण की विधि बताते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख शांति हो और आपका भी कोई रूठा हुआ मान जाए। तो आज हम वशीकरण की आपको बहुत ही आसान विधि बताएंगे ताकि कोई इंसान या व्यक्ति आपसे रूठा हुआ ना रहे। दोस्तों क्या आपको पता है कि कपूर से भी किया जा सकता है वशीकरण? जी हाँ दोस्तों, आपके घर में कलेश रहता है या नेगेटिविटी रहती है या फिर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, तो आप ये विधि जरूर करें। तो दोस्तों इस कार्य को करने के लिए आपको एक कपूर की टिक्की लेनी है जो कि अक्सर घर में पड़ी रह होती है या फिर आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं, और उसे अपने हाथ में रखकर आपने 21 बार एक मंत्र का उच्चारण करना है और फिर उसके बाद आपने इसे घर पर किसी भी कटोरी के अंदर कपूर को जला दे। और यकीन मानिए इस टोटके के एक घंटे के अंदर वो इंसान आपके वश में हो जाएगा और आपकी सारी बातें मानने लगेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो कि वो आपके बस में हो जाए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारी गुरु माता जी से अपने नाम के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार अपना मंत्र ले सकते हैं आप। दोस्तों अगर आप किसी भी कारणवश ये कार्य करने में असमर्थ हैं, तो आप ये कार्य गुरु माता जी से भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों देर न करें, जल्दी से ही हमारे गुरु माता जी को कॉल करें या व्हाट्सएप करें। जय माता दी।